हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेप्शन प्रोपगेशन के बारे में जानेंगे। इनसाइड अ मेथड इफ एन एक्सेप्शन अराइज्ड एंड इफ यू आर नॉट हैंडलिंग दैट एक्सेप्शन देन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट विल बी प्रोपगेट टू कॉलर देन कॉलर मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल एक्सेप्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सेप्शन प्रोपगेशन। सबसे पहले जान लीजिए कि एक्सेप्शन प्रोपगेशन हम लोग करते नहीं, मतलब तो इसके लिए आपको कोई कोड नहीं लिखना। ये एक प्रोसेस है जो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। सो ये क्या प्रोसेस है, क्या होता है, यही सिर्फ हम लोगों को जानना है। इसका कोई अभी आपको कोड वगैरह लिखना नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है, दो तीन मेथड्स लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर इन मेथड्स को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपका इस मेथड के अंदर जनरेट हो रहा है। इस मेथड को कहाँ कॉल किया गया, इस मेथड को कॉल किया गया है यहाँ। तब का एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए कि ये एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, ये इससे प्रोपगेट करेगा कि आपने जिस मेथड को कॉल किया है वहां एक्सेप्शन है, तो क्या आपने इसको हैंडल किया। तो ये क्या कहेगा कि मुझे नहीं पता, जाकर मेरे कॉलर से पूछो। तो ये इसको कहाँ कॉल किया गया, इसको यहाँ कॉल किया गया। तो ये फिर इसके पास जाएगा, इस मेथड के पास, और इससे कहेगा कि आपने जिस मेथड को कॉल किया है वहाँ कहा जा रहा है कि आपको एक एक्सेप्शन को हैंडल करना है, क्या आपने किया है। तो ये कहता है कि मैंने नहीं किया, ये तो मान लीजिए कि इसने नहीं किया, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा JVM के पास बाय डिफॉल्ट। और JVM के पास जो हैंडलर रहेगा, जो कोड डिफॉल्ट हैंडलिंग कोड रहेगा, वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि ये जब आपका कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो जिस अगर किसी मेथड में आपका कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है और उस मेथड को कहीं कॉल किया गया है, तो उस कॉलर की जिम्मेदारी बनती है कि इस मेथड को हैंडल करें। अगर वो हैंडल नहीं करता है तो ये जो है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इसे प्रोपगेट करता है कि आपने हैंडल क्यों नहीं किया है और किया है तो कहाँ किया है, ओके। क्योंकि ये इसी तरह से एक चेन की तरह बनता जाता है। इसको इसके अंदर आपने लिखा तो ये इससे पहले जाकर पूछेगा, अगर आपने इस मेथड को किसी और मेथड के अंदर कॉल किया हुआ है तो फिर ये इससे जाकर पूछेगा, अगर ये मेथड मेन मेथड के अंदर कॉल किया गया तो वो मेन मेथड से जाकर पूछेगा, और मेन मेथड से कहाँ चला जाएगा, वो JVM में, ठीक है। और JVM में फाइनली आपका जो डिफ़ॉल्ट रहता है ऑटोमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो लिखा गया है डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन, वो आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, ऑटोमेटिक एक्सेप्शन और डिवाइडेड बाई ज़ीरो, ओके। सो ये पूरा प्रोसेस जो है एक्सेप्शन प्रोपगेशन कहलाता है। इसके लिए हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है, बस ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई कोड, स्पेशल कोड लिखना पड़ेगा या फिर इसके लिए कोई स्पेशल कीवर्ड है, ऐसा नहीं है। बस ये एक प्रोसेस है जो इस तरीके से आपके प्रोग्राम में परफॉर्म करेगा अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो, ठीक है। हाँ, एक बात कह सकते हैं आप कि आप उसको JVM को ट्रांसफ़र करने के बजाय, यानी कि आपने कहीं भी हैंडल नहीं किया तो एट द एंड फाइनली वो कहाँ चला जाएगा, JVM के पास। तो JVM के पास जाने के बजाय आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके आप उसको यहाँ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। ट्राई कैच से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट आपका कहलाएगा, ओके। सो गाइस, आई होप कि आपको एक्सेप्शन प्रोपगेशन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।